नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं पड़ताल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त 2020 को दावा किया कि उनके देश यानी रूस ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। नाम है स्पुतनिक 5। ये साथ ही पुतिन ने यह भी दावा किया कि उनकी एक बेटी को इस वैक्सीन की डोज दी गई है और इससे उनकी बेटी को कोई खास परेशानी नहीं हुई। महीनों से वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी थी, चौंकाने वाली थी। इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पीपीई किट पहने एक स्वास्थ्यकर्मी एक महिला का चेकअप करते हुए दिख रहे हैं। देखने में ऐसा लगता है कि लड़की को कोई इंजेक्शन देने की तैयारी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये लड़की व्लादिमीर पुतिन की बेटी है जिन्हें कोरोना वायरस की जो वैक्सीन रशिया ने डेवलप की है उसकी पहली डोज दी गई है। रूस के वैक्सीन बनाने के ऐलान के बाद से इस वीडियो को गलत दावे के साथ खूब शेयर किया जा रहा है। ट्विटर पर ये वीडियो जमकर वायरल हुआ है। इसके अलावा फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर भी इसे लगातार शेयर किया जा रहा है। हमने इस वायरल दावे की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में वीडियो के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक निकला। वीडियो में दिख रही लड़की पुतिन की बेटी नहीं है बल्कि रूस में कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए चुनी गई एक वॉलंटियर है। वीडियो को इनविट टूल की मदद से रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें ये वीडियो और इससे जुड़ी कई तस्वीरें कई रशियन वेबसाइट्स पर मिली। रशियन फोटो बैंक visualrian.ru पर हमें इस लड़की की कुछ और तस्वीरें मिली। विजुअल रियान के मुताबिक इस लड़की का नाम नटालिया है जो 13 जुलाई को मॉस्को के बर्डेंको मिलिट्री हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर के तौर पर शामिल हुई थी। इससे पहले 26 जून को रशियन न्यूज वेबसाइट वेज़्डा में प्रकाशित हुए एक आर्टिकल में भी नटालिया की एक तस्वीर और उनका वीडियो मौजूद है। नटालिया एक मिलिट्री डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हैं। रशियन टेलीविजन नेटवर्क आरटी के मुताबिक नटालिया उन 20 लोगों में से शामिल थीं जिनको वैक्सीन का दूसरा कंपोनेंट दिया गया था। इस वैक्सीन को मॉस्को के गामेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रूस के रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर बनाया है। पुतिन की बेटियों के नाम मारिया पुतिना और कैटरीना थिकोनोवा है। दोनों लड़कियों को देखकर ये भी बात साफ हो जाती है कि वीडियो में दिख रही लड़की पुतिन की बेटी नहीं है। कुल मिलाकर नतीजा निकला कि ये वीडियो में दिख रही लड़की व्लादिमीर पुतिन की बेटी नहीं है बल्कि नटालिया है और वो वॉलंटियर हैं जो रशिया का वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है उसमें। आपके लिए ये पड़ताल की है मेरे साथी अर्जुन ड्योढ़िया ने। पड़ताल अब सोशल मीडिया पर भी है। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इसका फेसबुक कट देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पड़ताल को ज़रूर लाइक करें। इसके अलावा अगर आपको किसी खबर पर शक है तो आप हमें मेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप और मेल की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। जहां पर भी आप ये खबर देखें, जहां पर ये तस्वीर देखें या फिर वीडियो देखें, वहां पर इस फैक्ट चेक का, इस पड़ताल का वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि औरों तक भी इस पूरे मामले की सच्चाई पहुंचे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।